रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र रावत के प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को हटा दिया गया है। हट गए हैं प्रमुख सचिव आनंद वर्धन, सचिव शैलेश और प्रभारी सचिव अरविंद सिंह पर भी यही कार्रवाई हुई है, उन्हें भी हटा दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रमुख सचिव आनंद वर्धन हटे, सचिव शैलेश और प्रभारी सचिव अरविंद सिंह भी हटाए गए, अपर सचिव विमी सचदेवा भी हटी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, सचिव शैलेश और प्रभारी सचिव अरविंद सिंह हटे और सीएम त्रिवेंद्र रावत के प्रमुख सचिव आनंद वर्धन भी हटाए गए हैं। सचिव शैलेश और प्रभारी सचिव अरविंद सिंह भी हटे, अपर सचिव विमी सचदेवा भी हटी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चेतन गुरुम हमारे संपादक उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। चेतन, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला और क्यों कर ये कार्रवाई अमल में लाई गई? प्रकाश पहले से ही काम कर रहे हैं वहां पर, और कल ही बल्कि दो दिन पहले भारत सरकार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट कर आई है राधिका झा। वो 2002 बैच की आईएएस अधिकारी है, तो उनको भी प्रभारी सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इस तरह से ओम प्रकाश के साथ एक सहायक के तौर पर एक प्रभारी सचिव सरकार ने दो दिन पहले ही दे दिया था। इधर पता ये चल रहा था कि आनंद वर्धन जो है प्रमुख सचिव, वो उनको कुछ इतना ज्यादा काम पिछले जब से सरकार आई है मिल नहीं रहा था, तो इससे वो कुछ संतुष्ट नहीं थे। और जब से नई सरकार आई है बीजेपी की, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जिसको हेड कर रहे हैं, उसमें दो सचिव हैं शैलेश बगोली और प्रभारी सचिव अरविंद सिंह यांगी, इनके पास भी मुख्यमंत्री सचिवालय की फाइलें इतनी आ नहीं रही थी, यानी कामकाज बहुत कम था और एक तरह से वो साइडलाइन किए हुए थे। तो ये लोग प्रमुख सचिव, सचिव और जो प्रभारी सचिव थे, इन्हें हटाया गया है। क्या अपनी मर्जी से इन लोगों ने अपने पद को छोड़ा है या फिर सरकारी स्तर पर यह कार्रवाई की गई है? नहीं सर, मर्जी से नहीं छोड़ा है, सरकार ने इनको हटाया है। लेकिन इतना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में इन लोगों के पास नई सरकार में, जब से नई सरकार आई है, इनके पास कोई काम नहीं था, बहुत कम फाइलें एक आध कोई आ रही थी और एक ये लोग साइडलाइन किए हुए थे। तो ज्यादातर जो भी काम है मुख्यमंत्री सचिवालय के, वो ओम प्रकाश खुद देख रहे थे, जो अपर मुख्य सचिव है, 1987 बैच के हैं वो जी।